चैप्टर 36। ये एसयूवी क्या होती है? अब तक मैं जान चुका हूँ। असल में ये एक वैल्यू है। एसयूवी मान को ट्रेजर के उत्तक एकाग्रता के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे पीईटी स्कैनर द्वारा मापा जाता है, जिसे आमतौर पर शरीर के वजन से विभाजित इंजेक्शन वाली गतिविधि से विभाजित किया जाता है। अपटेक मान को छवि के आरओआई में पिक्सल या वॉक्सल तीव्रता मान द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे बाद में गतिविधि एकाग्रता में परिवर्तित किया जाता है। देखते देखते 2 महीने बीत गए। मई के पहले ही दिन पेट स्कैन करवा लिया। शाम को रिपोर्ट आई। रिब का वह मेटास्टेसिस लगने वाला स्पॉट गायब हो चुका है। विराट मेरे साथ है। रिपोर्ट पढ़ते ही दिल खुश हो गया। चलो आज तो पार्टी करेंगे, मन ही मन सोचा। ताया जी, आज तो पार्टी बनती है, विराट ने कहा। घर पर रात हम सब ने मिलकर इस रिपोर्ट का जश्न मनाया और इन पलों का भरपूर आनंद लिया। मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद किया कि वह जो अंतर्मन के माध्यम से संदेश भेजते रहे, उन्हें मैं समझ पाया। सबके जाने के बाद मेरे मन में प्रश्नों का ढेर लगा है। इन सबके उत्तर ढूंढने हैं मुझे। ऐसा क्यों कहा जाता है कि ट्रीटमेंट के बाद 5 साल इम्पॉर्टेंट हैं? क्या ये लौट कर आता ही है? इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है? पॉजिटिव कैसे रहना है? अपने शरीर और मन की देखभाल कैसे करनी है? मेरा फ्यूचर प्लान क्या होने वाला है? बहुत कुछ सोचना है, करना है मुझे। एक कैंसर सर्वाइवर को कितनी स्ट्रेस का सामना करना होगा, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। पेशेंट रहते हुए कितना स्ट्रेस रहा, वह तो मैं समझ चुका हूँ। स्ट्रेस, चिंता, तनाव सब जिंदगी को और मुश्किल बनाते हैं। हम सब जानते हैं, मगर फिर भी इनसे बच नहीं पाते। मगर मुझे अब इनसे बच कर रहना है। चलो आज तो इन सब के बारे में कुछ नहीं सोचना। आज का दिन बहुत बड़ी खुशी लेकर आया है। इस खुशी को जीना है मुझे। आज के दिन का इंतज़ार बहुत लंबा रहा मेरा। जो फरवरी में दिन आना था, वह मई में आया। खैर, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। इस खुशी को आज के दिन ही आना होगा, तो आज ही आई है। मैंने खुद से वादा किया कि अब मुझे चिंता, तनाव और बेकार ख्यालों से बचकर रहना है। हम सब जानते हैं टेंशन हमारा क्या हाल करती है। टेंशन से कुछ हल भी नहीं होता, फिर भी टेंशन से हम बच नहीं पाते। मगर मुझे अब बच कर रहना है। चैप्टर 37। 2015 का साल मई के बाद खुशियों की और सौगात लेकर आया। मनु ने अगस्त में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाया, जिसका नाम है इशु। सितंबर में इनकी सगाई हो गई और साथ ही शादी की तारीख भी पक्की हो गई, 5 मार्च 2016। एक बार कोई तारीख फिक्स हो जाए तो समय बीतने का पता ही नहीं चलता। अब मैं पूरी तरह से तैयार होकर अपनी दुकान, अपनी कर्मस्थली वापस आ गया हूँ। शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई। मेरे जिम्मे तो बस दुकान पर बैठने का ही काम है। भाग दौड़ मैं कर नहीं सकता, शॉपिंग मैंने कभी की ही नहीं। सच बोलूँ तो मैंने कभी अपने जूते भी खुद नहीं खरीदे। मेरी ज़रूरतें ही मेरी चाहते हैं। जो मिल गया वही पसंदीदा हो जाता है। इस सब उत्साह के दिनों ने मुझे भुला ही दिया कि मुझे कैंसर हुआ था। शादी के जो भी काम हैं, वह सब मनु को खुद ही करने हैं। उसको सपोर्ट करने के लिए संजय, विराट और इशु उसके साथ ही हैं। मुझे 3 महीने बाद फॉलोअप को जाना होता है। 6 महीने बाद MRI करवानी है। मुझे लगता है ये सब भगवान जैसे अभूतपूर्व मैनेजर ही सब प्लान बनाते हैं। कब क्या होना है, कब किसको किसके जीवन में आना है या जाना है, इन सब का निर्धारण वह ही करते हैं। मई में मैं पूरी तरह से ठीक होता हूँ। अगस्त में मनु का इशू से मिलवाना, सगाई हो जाना, विवाह की तारीख पक्का हो जाना, इस क्रम में जो संदेश स्पष्ट दिखाई देता है, वह यही है कि भगवान जी की प्लानिंग के आगे हमारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। मेरा तो अब पक्का विश्वास हो गया है इस बात पर। इस क्रम ने मुझे इलाज के बाद के तनाव से अच्छे से उबार दिया है। चैप्टर 38। साल 2016 की शुरुआत से ही अचानक व्यस्तता बढ़ गई है। मनु की शादी में कुल 2 महीने बचे हैं और काम हैं ढेर सारे जो उसे ही करने हैं। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ दुकान पर बैठने का है। इस सब भागदौड़ के माहौल में उत्साह भी है तो उत्तेजना भी है। शादी से घर का माहौल बदल रहा है, शादी के बाद और भी बदल जाएगा, जो कि स्वाभाविक ही है। और देखते देखते मार्च भी आ गया, शादी भी हो गई।
घर परिवार में पहली बहू का आना हुआ तो सब उत्सुक भी हैं, उत्साहित भी। इशु शादी से पहले भी स्कूल में पढ़ाती रही है और थोड़े समय के बाद उसे यहाँ भी घर के पास एक स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई, तो घर के टाइम टेबल में और भी बदलाव आ गए। मेरा फॉलोअप अब 6 महीने बाद होने लगा है और लगभग हर बार मुझे MRI तो करानी ही होती है। MRI करवाना भी कोई आसान काम नहीं है, बहुत तेज़ आवाज़ों का शोर बर्दाश्त करना पड़ता है, मगर जो ज़रूरी है वह तो कराना ही है। पेट स्कैन, MRI सब कराते हुए मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं और मैं अब इन सबसे अच्छी तरह वाकिफ भी हो गया हूँ। साल अच्छे से बीत रहा था कि नवंबर की 8 तारीख को अचानक से रात में नोटबंदी का ऐलान हो गया। सब लोग विश्वास ही नहीं कर पाए कि आखिर ये क्या हुआ। सरकार के इस फैसले से भारी हड़कंप मच गया। लोग बस जैसे तैसे अपने 500 और 1,000 के नोट खर्च करने में लगे हैं। कोई कैसे बदलवा रहा, कोई जमा करवा रहा है। लोग 10 रुपए की दवाई लेने आते हैं तो 500 का नोट पकड़ा देते हैं। कोई तो कहता है जमा कर लो, धीरे धीरे एडजस्ट होते रहेंगे। जाने कैसे कैसे करके हर कोई अपने नोट बदलवा लेना चाहता है। 2016 तो बीता ही बीता, आधा साल 2017 का भी इसी सब में बीत गया। घर, दुकान, फॉलो अप, बस इसी सब में सिमट कर रह गया हूँ मैं। मन में एक अजीब सी घुटन रहने लगी है। मैं कहूँ भी तो किससे कहूँ, मुझे यही समझ नहीं आता। कभी कभी तो ये ही समझ नहीं आता कि मुझे कहना क्या है। सोचता हूँ कुछ दिन के लिए इन सबसे दूर कहीं कुछ दिनों के लिए चला जाऊँ तो शायद कुछ बदलाव आए। चैप्टर 39। अक्टूबर का महीना है, मौसम में हल्का सा बदलाव है। सुबह और शाम के समय मौसम हल्का सा ठंडा हो जाता है। मैं आया हूँ कसौली, छोटा सा हिल स्टेशन है। छुट्टियाँ बिताने के 4 दिन हैं मेरे पास। इन 4 दिनों में प्रकृति के साथ रहकर अपने भीतर ढेर सारा उत्साह भर लेना चाहता हूँ। शाम के समय जिस जगह मैं पहुँचा हूँ उसे सनसेट पॉइंट कहते हैं। बैठने के लिए सीढ़ियाँ हैं। सूरज शाम को अभी थोड़ी देर में डूब जाएगा। अचानक से बादल आसपास तैरते दिखाई दिए। नीचे देखा तो गहरी खाई है जहां पेड़ ही पेड़ हैं। आसमान सिंदूरी रंग से रंगा जा चुका है। सूर्य धीरे धीरे डूबता दिख रहा है। जैसे ही पूरा डूबा, अंधेरे की चादर फैल गई और मैं अपने मन में इस खूबसूरत नज़ारे की फिल्म बना चुका हूँ। कसौली में मेरे 4 दिन की शामें सनसेट पॉइंट पर ही बीती। 2-2.5 घंटे मैं यहीं बैठा रहता। इन 4 दिनों में मैं सब कुछ भूल कर बस इसी माहौल को भरपूर जीना चाहता हूँ। प्रकृति के साथ समय बिताना अपने आप में ही एक उपचार है। मुझे याद है कि जिस दिन मैं गिलबर्ट ट्रेल गया था, शायद 10 किलोमीटर चला मैं उस दिन। उत्साह और उमंग में भरा जाने कैसे चलता ही रहा। तनाव से दूर, सब झंझटों से परे, बस एक अलग ही दुनिया में जीने का अलग ही आनंद है। छुट्टियां तो छुट्टियां ही होती है। 4 दिन बाद लौटकर वापस तो दिल्ली ही जाना है। जो उत्साह, जो ताजगी इन दिनों में अपने मन और शरीर में भरी है, उसका भरपूर इस्तेमाल करना है मुझे। जीवन में कभी कभी ऐसे ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है। इस बार तो बहुत बरसों के बाद ऐसा ब्रेक लिया मैंने। सोचता हर बार यही हूँ कि हर साल 2 साल में एक छोटा सा ब्रेक जरूर लेना चाहिए, मगर लेता हूँ 8-10 साल के बाद। मुझे अकेला आना ही पसंद है, मेरे साथ आएगा भी कौन। मुझ जैसे प्राणी को झेल पाना संभव नहीं सबके लिए। मुझे लगता है अगर मैं ही अच्छे से अपने साथ निभा सकता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ करता हूँ, मेरे शौक सबसे अलग हैं, अच्छे से जानता हूँ मैं। चैप्टर 40। 2017 का अंत हुआ, सामान्य रूप से 2018 का आगमन हुआ और सामान्य सही वर्ष भी बीत गया। 2019 भी सामान्य रूप से चला जाता, मगर नवंबर में चीन में कोई कोरोना वायरस के फैलने के समाचार आए। चीन से स्पष्ट समाचार तो आते नहीं, मगर दिसंबर आते तक केसेस की संख्या बढ़ने लगी और लोगों का ये अनुमान कि ये वायरस चीन तक ही सीमित रहेगा एकदम गलत साबित हुआ। कोरोना वायरस ने कोविड-19 का नाम पाया और धीरे धीरे बहुत सारे देश में केस बढ़ने लगे। नया वायरस, कोई अधिक जानकारी नहीं कि कैसे इलाज होना है, कौन सी दवा काम में आएगी। इसी आपाधापी में 2019 ने आफत देकर 2020 को बाकी सब झेलने के लिए बुला लिया,
यहाँ लोगों को लगता रहा कि शायद ये भारत तक ना पहुंचे, मगर ऐसा हुआ नहीं। जनवरी के महीने में केरल में पहला केस आया। सरकार जागी, लोग सतर्क नहीं हुए। सरकार ने नियमित रूप से कोरोना के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध रही उसे लोगों तक पहुंचाने की ठानी। न्यूज़ चैनल पूरा पूरा दिन इसी पर खबरें रिपोर्ट दिखाते रहे। फरवरी में ऋषिकेश जाने की सोची थी, मगर जिस तरह की खबरें मिली उन्हें सुनकर तो हौसला ही नहीं हुआ। अपना फॉलोअप कराया तो डॉक्टर राव ने चेतावनी दी कि मुझे हर हाल में अपने आप को सुरक्षित बनाए रखना है। मार्च आते आते केस बढ़ने लगे तो लोगों में दहशत सी फैलने लगी। 22 मार्च को सरकार ने एक दिन के जनता कर्फ्यू की रिहर्सल कराई। तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 2 दिन बाद ही पूरा लॉकडाउन लगने वाला है। 25 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। लॉकडाउन में 60 वर्ष से अधिक के लोगों का घर में रहना जरूरी हो गया, मतलब अब मुझे दुकान नहीं जाना होगा। 25 मार्च से पहले वाले हफ्ते में लोगों को शायद ये अंदाजा हो ही गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। 25 मार्च रात 12 बजे से पूरा लॉकडाउन घोषित किया हुआ। लोगों की भीड़ जुट गई, ये लेना है, वह लेना है। जिसको एक की ज़रूरत है उसे पांच चाहिए, जबकि हमारी दुकान लॉकडाउन में खुली रहेगी और जिस मोहल्ले में है वहाँ सब आसानी से ले सकते हैं या हम भिजवा सकते हैं, मगर नहीं, सबको तो बस अभी चाहिए। लॉकडाउन से पहले के आखिरी दिन के आखिरी घंटे ये अंदाज़ा दे गए कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। चैप्टर 41। लॉकडाउन के कारण दुकान पर जाना बंद हो चुका है, घर में भी अजीब सा माहौल है। मनु के जाने के बाद हम 4 लोग हैं। घर में ईशु की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। मम्मी पापा जी टीवी देखकर समय बिताते हैं। मैं अकेला अपने कमरे में बैठा रहता हूँ। घर के छोटे छोटे कामों में हाथ बटा देता हूँ। मन की हालत कोई अलग ही दिशा में चल पड़ी है। दहशत के इस माहौल में क्या करना है कुछ सूझ ही तो नहीं रहा। कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं, दिन भर बुरी खबरें सुनने को मिलती है। सही से इसका उपचार क्या है स्पष्ट रूप से कोई नहीं जानता। रोज नई दवा नया उपचार सुनने को मिलता है। लॉकडाउन की अवधि बढ़ती रही, लोगों की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। रोजगार छूट गए लोग खाने को तरस रहे हैं। वह लोग जो दूर दूर से यहाँ काम करने आए हैं वे सब इस समय घर लौट जाना चाहते हैं, मगर कोई साधन नहीं है। बस ट्रेन सब बंद है। मनु बताता है दुकान का क्या मंजर हो गया है। कोई अंदर नहीं आ सकता, बाहर लाइन में खड़े होकर दवाई लेनी होती है। दो मरीजों के खड़े होने के बीच भी एक निश्चित दूरी बनाए रखना जरूरी है। गिनती के डॉक्टर हैं जो क्लिनिक पर आते हैं। हमारे पड़ोस वाले डॉक्टर नारंग साहब नियमित आ रहे हैं। थोड़े दिन बाद तक जिस सैनिटाइजर के बारे में अधिकतर लोग जानते भी नहीं होंगे, अब उसी के लिए मारोमार मची है। कुल मिलाकर सब इतना बदल गया है कि सोच से भी परे है। एमसीडी की गाड़ी जो घरों से कूड़ा लेने आती है उसका इंतजार, और उसमें घर का कूड़ा डाल देने के बाद राहत भरी सांस लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा मसला हल हो गया हो। मास्क लगाए हैं सब लोग, अधिकतर डॉक्टर ऑनलाइन ही देख रहे हैं। ऑफिस का काम ऑनलाइन होने लगा है, सब लोग एक अजीब सा मानसिक तनाव झेल रहे हैं। ऐसा मंजर तो ना इमरजेंसी में दिखा ना कभी युद्ध के समय में। ये तो एक बहुत दबाव तनाव वाला माहौल है। बीमारी का प्रकोप तो है ही, उससे कहीं ज्यादा उसका डर है। डर से डरे लोग जाने कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं। 3 मई से भी लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया है और ये सब चलता रहा साल भर। सितंबर में काफी कुछ ढील मिल गई तो अक्टूबर में थोड़ी देर के लिए दुकान जाना शुरू किया तो लगा कि मैं भी जीवित हूं अभी। चैप्टर 42। नवंबर 2020 में आखिरकार मैंने दुकान पर जाना शुरू ही कर दिया। मानसिक तनाव कुछ कम होने लगा तो सोचा कि और क्या किया जाए जिससे तनाव और कुछ कम हो। लिखना मेरी एक मजबूरी रही है, मैं अक्सर अपने मन की बातें खुलकर कह नहीं पाता। ऐसा नहीं है कि मैं किसी से बताना नहीं चाहता, सब शेयर कर सकता हूँ मगर उसके साथ जिससे मेरे विचार मिलते हों। ऐसे मैं कोई लेखक वेखक नहीं हूँ, 4 किताबें ज़रूर लिखी हैं मगर उसमें सब तो वही है जो मैंने जीवन में किया, जिया, देखा, समझा, वही बातें हैं जो मैं किसी से कह देना चाहता था, मगर लिखने के सिवाय कोई और रास्ता ही नहीं मिला मुझे। 1985 में मेरी पहली किताब खामोश इमारत छपी। असल में वह सब जो मैंने उसमें लिखा वो मेरे जीवन के कुछ वर्षों की ही कहानी है, मुख्य तो सुधा दी को लेकर। ऐसे तो सुधा दी के साथ
दो ही बरस रहा मैं, मगर उन 2 बरसों का एक एक दिन मेरे लिए जीवन का अध्याय बन गया। 1 जनवरी 1983 को जब सुधा दी ने दुनिया से विदाई ले ली, मैं भी भीतर ही भीतर टूट गया था। तब मुझे समझ ही नहीं आता कि करूं तो क्या करूं। एक रात मुझे सपने में सुधा दी दिखाई दी और बोली, अरे पगले, एक किताब लिखकर सब मन की बातें लिख दे उसमें। और सच में मैंने खामोश इमारत लिख डाली। किताब लिख देने के बाद मेरा मन हल्का हो गया। यादें तो सब आज भी हैं, मगर उनसे जुड़ी भावनाओं से जो पीड़ा होती थी वह अब नहीं होती। बस इस तरह से मैंने 3 किताबें और लिख डाली। ये लॉकडाउन के दिनों में फ़ोन पर बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखना शुरू किया मैंने। दिसंबर में मुझे एक योर कोट नाम से एक ऐप मिला जो मुझे पसंद आया। दिसंबर में मेरे भीतर फॉलोअप करवाने की इच्छा भी तेज होने लगी, मगर सबने मना किया तो रुका रहा। चैप्टर 43। दिसंबर बीत रहा है। लॉकडाउन के बाद लोग एकदम आज़ाद हो गए हैं। कोई नियमों का पालन नहीं करता। बाजार भीड़ से लद गए हैं। ऐसा लगता है कि लोग कोविड-19 के कहर को भूल गए हैं, मगर दुनिया के कई देश में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। ये वाली लहर तो पहली लहर से बहुत भयानक है। दिसंबर बीतने के साथ ही मेरे मन में कुछ अजीब सी उथल पुथल है। कुछ साफ तो समझ नहीं आ रहा, मगर कुछ है जो स्पष्ट नहीं है, या मेरी चिंता ही हो सकती है। 2020 ने विदा ले ली तो लोग 2021 का स्वागत कर रहे हैं। मानो भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि ये साल सुख शांति वाला हो। मैंने भी ऐसी ही प्रार्थना की और योरकोट पर लिख कर डाल दी। योरकोट ऐप पर लोग अधिकतर नेगेटिव लिखते हैं। मुझे हैरानी हुई कि आखिर ऐसा क्यों है, पॉजिटिव क्यों नहीं लिखते। सोचा मैं ही कोशिश करके देखता हूँ। मैंने कुछ नेगेटिव शब्दों के जवाब में पॉजिटिव शब्दों का कोलैप किया। थोड़े दिन तक यही सिलसिला चलता रहा, मगर कुछ सफलता नहीं मिली। जानता हूँ अच्छे शब्द देर से पहचाने जाते हैं, तो कुछ अधिक निराश नहीं हुआ। जनवरी का दूसरा सप्ताह है और फॉलोअप कराने की इच्छा अब जोर पकड़ रही है, जिद की तरह। एक दिन मैक्स अस्पताल फोन करके डॉक्टर राव की कोऑर्डिनेटर से बात की तो पता चला डॉक्टर राव तो मैक्स अस्पताल छोड़कर गुड़गांव जा चुके हैं। अब क्या करूं? इस सवाल ने ही हफ्ता भर मुझे उलझाए रखा। मेरे भीतर एक अजीब सी हलचल होने लगी। ये हलचल साधारण नहीं है, मगर है क्या? इस हलचल में ये नहीं समझ पाया। थोड़ा सा निराश हो गया तो योरकोट पर गया। मुझे मेरे पोस्ट पर कमेंट दिखा। किसी ने एक लाइन की भरपूर नकारात्मक पोस्ट लिखी थी, जिसके जवाब में मैंने एक लाइन की पॉजिटिव पोस्ट लिखी तो उसका कमेंट आया, इतनी पॉजिटिविटी से कैसे कोई लिख सकता है? मेरा मन थोड़ा सा उत्साहित हुआ, मगर मेरी निराशा एक पोस्ट में झलक आई जिसका कमेंट आया, आपसे ऐसी निराशा भरी पोस्ट की कतई उम्मीद नहीं थी। मेरा चौंकना स्वाभाविक था। मतलब लोग पढ़ते हैं मेरी पोस्ट को और शायद उन्हें ही अच्छी लगती है। चैप्टर 44। इन्हीं सब में जनवरी बीत गया। दुकान, घर और योरकोट। फरवरी शुरू होते ही अचानक अंतर्मन ने सुझाव दिया कि चलो वापस BLK हॉस्पिटल डॉक्टर शिखा के पास। अंतर्मन के सुझाव ने मेरी दुविधा को मिटा दिया और 6 साल बाद मैं डॉक्टर शिखा के सामने अपनी फाइल लिए बैठा हूँ। कहाँ थे आप, इतने सालों बाद आए हो? जी, मैं मैक्स अस्पताल डॉक्टर राव के पास रहा ये 6 साल। दिखने में तो सब ठीक लग रहा है, मगर एक पेट स्कैन करवा लो। अगर सब ठीक होगा तो आप डिसीज फ्री हो जाओगे। ठीक है, पेट स्कैन करवा कर आपसे मिलता हूँ। मैं दुकान पर कैब से लौटा तो कल वाला वह कमेंट कि आपसे ऐसी निराशा वाली पोस्ट की उम्मीद नहीं थी, जीवित हो गया। मन सोचने लगा कि इसका क्या हल हो सकता है। अंतर्मन ने सुझाव दिया कि अगर कभी अपनी निराशा के भाव लिखने हो तो उस पोस्ट को 2 हिस्सों में बांट लेना। पहले अपनी निराशा व्यक्त कर लेना, फिर उसका कोई हल भी ढूंढ कर लिखना। दोनों काम हो जाएंगे, तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा और कोई ना कोई सुझाव भी मिल जाएगा। हाँ, यह तरीका ठीक रहेगा। इन दिनों अजीब सा माहौल है। मास्क लौट आए हैं। लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखने लगे हैं। दुनिया भर से डराने वाली खबरें आ रही हैं। ऐसा लगता है कि हमारे देश में भी कोरोना लौटने वाला है। इसी सोच ने मन को कहा कि जितनी जल्दी हो सके पेट स्कैन करवा लेता हूँ। जाने कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं। कैब रुकी दुकान के सामने और मैंने पहली सीढ़ी पर ही कदम रखा था कि पीछे से आवाज़ आई, सब ठीक है बाऊजी? देखा सामने प्रेम जी खड़े हैं। हैरान रह गया मैं इस समय इनका मिलना।
असल में प्रेम जी के भाई का डायग्नोस्टिक सेंटर है और प्रेम जी बहुत सारे सेंटर से जुड़े हुए हैं। ऐसा लगा भगवान जी ने समस्या ही हल कर दी मेरी। हाँ प्रेम जी, मेरा पेट स्कैन करवाना है। कब करवाना है बाबूजी? गणेश सेंटर से 10,000 में हो जाएगा, परसों करवा लूँगा। ठीक है बाबूजी, मैं कल ही आपका फिक्स कर देता हूँ। चैप्टर 45। अगले ही दिन प्रेम जी ने मुझे स्लिप दे दी और किसी को भेजा अपने सेंटर से यूरिया क्रिएटिनिन टेस्ट का सैंपल लेने के लिए। बताया कि शाम को रिपोर्ट मिल जाएगी जो पेट स्कैन के लिए साथ में लेकर जानी है। आसानी से सब कुछ दुकान पर बैठे बिठाए सरलता से हो गया। बहुत अच्छा लगा ये देखकर। अब सोचना है कि पेट स्कैन के लिए साथ किसे लेकर जाऊं। इस बार तो परिस्थिति बदल चुकी है। विराट तो US जा चुका है, विवेक कॉलेज में लेक्चरर हो गया, मनु जाएगा दुकान पर। अब बचा उत्कर्ष, मेरा छोटा भतीजा। उत्कर्ष को फोन पर बताया कि कल सुबह 7 बजे मेरे साथ चलना है पेट स्कैन कराने, तो उसने हामी भर दी। ये भी गनीमत है कि उत्कर्ष इन दिनों दिल्ली में है, अक्सर तो हैदराबाद अपनी बैडमिंटन एकेडमी में होता है। शायद मेरे काम आसान होने होंगे इसलिए उत्कर्ष यहाँ है। अगली सुबह हम टाइम पर गणेश सेंटर पहुँच गए तो मालूम पड़ा कि मेरा तीसरा नंबर है। 8 बजे कैनुला लगाकर दवा डाल दी गई, 9 बजे से स्कैन शुरू हुए और मेरा नंबर आते आते और स्कैन होते होते 11 बज गए। घर लौटकर नहा धोकर नाश्ता करके दुकान चला गया कि मनु शाम को रिपोर्ट ले आएगा। शाम को रिपोर्ट लेने तो मनु गया मगर उसने फोन करके कुछ नहीं बताया मुझे, शायद इशू भी उसके साथ होगी। रात में उसने रिपोर्ट मुझे दी और उसके चेहरे पर उदासी दिखी मुझे। रिपोर्ट पढ़ने के बाद तो उदासी मेरे मन में भी भर गई। कैंसर का लौट आना, ये क्या हुआ? मैं तो फॉलोअप कराने गया था और ये क्या लेकर आ गया? उत्कर्ष और संजय को भी बता दिया कि ये रिपोर्ट है। उस रात न तो नींद आई और न ही कुछ समझ में आया और न ही कुछ कर सकने वाली हालात थी मेरी।